नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक्सेल का एक डेटा शीट है। मुझे इसका टोटल निकालना है, एनुअल रिपोर्ट बनाना है जो कि 3-3 महीने का बनाना है। सब 3-3 महीने का अलग अलग डेटा है। समझो स्टेशनरी शॉप का ये डेटा है, जैसे पेन है, पेंसिल है, बुक्स है, स्टेपलर्स, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, उनका सेल डेटा है। मुझे 3-3 महीने का अलग अलग रिपोर्ट बनाना है, टोटल करना है। तो कितनी प्रकार से इसको कर सकते हैं, पहला टाइप देख लेते हैं। पहला मेथड क्या है, इसको इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद में दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसके बाद में इंटर प्रेस कर देंगे। इसका टोटल आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको क्लिक किया तो इसमें दिख रहा है B2 प्लस B3 प्लस B4। और बाकी में करने के लिए इसको कॉपी कर लेंगे, बाकी में पेस्ट कर देंगे तो सब में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। सेकंड नंबर भी ऐसा ही करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसके बाद में इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद में इसको कॉपी करेंगे और बाकी में सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे तो बाकी में भी आ जाएगा। थर्ड में भी ऐसा ही करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, इंटर प्रेस कर देंगे। इसको कॉपी कर लेंगे और बाकी सब में पेस्ट कर देंगे तो बाकी में भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर फोर्थ नंबर में भी वही करेंगे, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, उसके बाद इंटर मार देंगे। इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो पहला प्रकार तो यह है कि एक प्रकार से आप निकाल सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। और सेकंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप के लिए इसको पहले निकाल देते हैं, हम सब टोटल इसको निकाल देते हैं। इसको निकालने के बाद सेकेंड टाइप क्या है, चलो फार्मूला लगा लेते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर मार देंगे। तो यहाँ पे इसका सम आ गया है। और बाकी में लाने के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन, और ये सबको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर इंटर। और बाकी में अप्लाई करने के लिए इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, बाकी में भी आ जाएगा। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट ब्रैकेट क्लोज इंटर, और इसको कॉपी कर लेंगे, बाकी में पेस्ट कर देंगे। यहाँ भी सेम फार्मूला, इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद में इंटर मारेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, बाकी में सेलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी, तो बाकी में भी अप्लाई हो जाएगा। ये तो सेकेंड टाइप था, इसमें भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसे थोड़ा शॉर्टकट देखते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं पहले सब टोटल को। सब डिलीट हो गया। अब तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है इसको सेलेक्ट करेंगे डायरेक्ट माउस से। सेलेक्ट करने के बाद में
टोटल तक सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक फार्मूला लगाना है। उसके बाद में सम, ऑटो सम, ऑटो सम का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। ऑटो सम में जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो भी फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। या तो इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाकी सब में, या तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से एक एक कर सकते हैं ऑटो सम। ये तो थर्ड मेथड ए हो गया और इसका भी वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं आप। बाकी में अप्लाई करने के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ भी इसको सेलेक्ट करके ऑटो सम कर देते हैं और बाकी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद ऑटो सम इसको कॉपी कर लेते हैं, बाकी में पेस्ट कर देते हैं। ये तो तीसरा प्रकार हो गया सम करने का तरीका, लेकिन इसमें भी नहीं जम रहा है, इसमें भी टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए। चौथा प्रकार क्या है? चौथा प्रकार में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अल्टर प्लस इक्वल टू इस लाइन में फार्मूला लगाना है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अल्टर प्लस इक्वल टू, अल्टर प्लस इक्वल टू जैसे दबाएंगे तो सब पूरा लाइन में फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ भी वैसे ही कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद में अल्टर प्लस इक्वल टू और यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं अल्टर प्लस इक्वल टू, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं अल्टर प्लस इक्वल टू। ये तो चौथा प्रकार हो गया सम करने का तरीका, लेकिन इससे भी शॉर्टकट तरीका एक है, उसको अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फिर से वही डिलीट कर लेते हैं, डिलीट कर लेते हैं। डिलीट कर लिए। अब पूरे में मुझे फार्मूला लगाना है, जहाँ से जहाँ तक वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट हो गया है ये सब, सेलेक्ट होने के बाद में कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल प्लस जी, गो टू, गो टू का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें स्पेशल में जाएंगे। कहाँ पे? स्पेशल में, स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल में जाने के बाद में ब्लैंक, ब्लैंक का ऑप्शन है, वहाँ पे जाएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ओके कर देंगे तो जहाँ जहाँ भी इसको फार्मूला लगाना है ऑटोमेटिक खाली वहाँ पे ही सेलेक्ट है। उसके बाद में अल्टर प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे, जैसे अल्टर प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो पूरे सीट में फार्मूला लग जाएगा और ऑटोमेटिक ब्लैंक जहाँ पे था वहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया और सब टोटल आ गया है, आप देख सकते हैं फार्मूला अप्लाई हो गया है पूरे सीट में। अब मुझे इसका सब टोटल चाहिए, तो सब टोटल के लिए सी वी टी ओ टी एल, सब टोटल के लिए भी वही है, इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस,
उसके बाद इंटर, तो सब टोटल निकल के आ जाएगा इसका। कॉपी करके बाकी में पेस्ट कर देंगे। और दूसरा सिंपल तरीका है, इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा सिंपल तरीका है, इसको पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में फिर वही अल्टर प्लस इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे। जैसे अल्टर प्लस इक्वल टू फार्मूला लगाए, प्रेस किए, देखो ऑटोमेटिक फार्मूला अप्लाई हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्वल टू सम, यहाँ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। इस प्रकार से आप एनुअल रिपोर्ट बना सकते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। और इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं इस वैल्यू को, सब टोटल को राइट साइड ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका रिपोर्ट बन के रेडी हो गया है। इसको बॉर्डर लगा देते हैं, एक देखने में अच्छा लगेगा।